जी अवार्ड्स हमेशा बहुत ही इंटरेस्टिंग अवार्ड शो होता है. जब मैंने पहली बार होस्ट किया था तो मैंने जी अवार्ड्स के लिए किया था एंड आई थिंक इट विल बी अ रियली रियली अमेजिंग शो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ फन नाइट. गुड इवनिंग. मुझे भी विस्तार से पता नहीं, शायद जब अंदर जाके वो अनाउंस करेंगे तब पता चलेगा. Okay. लेकिन उड़ती उड़ती खबर मैंने ली. But I'm very, very proud of. उम्मीदें मैं कोशिश करती हूँ ना रखने की फिल्मों से, लेकिन गुंडे इज़ अ वेरी स्पेशल फिल्म. हमने बहुत काम किया इसमें, कोल के खानों में, यू नो, 50 डिग्री सेंटीग्रेड में, गर्मी में शूटिंग की है एंड इट्स लुकिंग रियली रियली ब्यूटीफुल. इट्स अ फिल्म आई एम वेरी प्राउड ऑफ. और ये वैलेंटाइंस डे के दिन आई थिंक यू नो एक प्यार की फिल्म देखना बहुत अच्छा. भाई मेरे लिए लकी है, जब भी मेरी फिल्मों की प्रीमियर्स वहाँ हुए तो फिल्म्स हैव रियली डन वेल. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू यू नो प्रीमियरिंग द फिल्म इन दुबई. मैं पहली बार गई थी राष्ट्रपति भवन एंड स्पेशली यू नो इट वाज एन इवनिंग जहाँ पे आई फेल्ट वेरी ऑनर्ड. आई थिंक वहाँ पे प्रेजिडेंट ऑफ जर्मनी थे एंड अ लॉट ऑफ अदर डिग्निटरीज एंड इतने ऑफिस कंपनी में रहना बहुत अच्छा लगा. वहाँ पे सोनिया जी थी, वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, वहाँ पे काफ़ी अदर मिनिस्टर्स भी थे. वहाँ पे फिल्म इंडस्ट्री से सिर्फ शर्मिला जी थी और वहाँ पे आई थिंक ऑफ कोर्स जर्मन कंटिंजेंट तो था ही और बहुत अच्छा लगा. आई थिंक वहाँ पे हमारी फिल्में बहुत चलती हैं इसीलिए आई वाज स्पेशली रिक्वेस्ट एंड आई फेल्ट रियली फ्लैटर्ड. मैंने एक्चुअली बोला उल्टा, आपने उल्टा सुना. मैंने हमेशा कहा है मैं बहुत एपॉलिटिकल हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी का फ्यूचर जानती नहीं. I don't know what will happen, but वैसे मैं अपने आप को बहुत diplomatic समझती हूँ एंड वेरी वेरी एबल. बहुत dramatic performances होते हैं हमेशा जी अवार्ड के एंड आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग हियर. कभी भी स्टैंडर्ड कभी यू नो सेकेंड बेस्ट नहीं होता. सो इट बी अ गुड शो. मुंबई की सेफ्टी की बात करना अब आई डोंट थिंक मेक सेंस. आई थिंक हमें देश की सेफ्टी की बात करना ज़्यादा सोचना चाहिए. हर शहर को एक मिस बात के ये सवाल पूछने का कोई फ़ायदा. अभी ये सवाल पूछना ज़रूरी है कि जो लॉज इम्प्लीमेंट करे गए हैं उनका इम्प्लीमेंट जो लॉज बनाए गए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और ना सिर्फ मुंबई में बट पूरे देश में.